हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर, टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, जिसमें अब तक मैं दो वीडियो इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप कि आप सभी ने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी, और जो मैंने आपको कहा था साथ साथ करने के लिए वो कर भी लिया होगा। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी इस चैप्टर को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको यहाँ तक कर लिया था, इसकी दो थ्योरम्स देख ली थी, सुप्रीमम की दो थ्योरम्स देख ली थी। फर्स्ट थ्योरम ये थी कि अगर किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और यू कैन से सुप्रीमम, तो वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और दूसरी ये थी कि जो ग्रेटेस्ट मेंबर होता है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, वो ही क्या होता है, सुप्रीमम होता है। क्लियर है। अब देखो, जो ये वाली थ्योरम है ये भी मैं आपको करवाऊंगी, बट बाद में करवाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ तो स्टार्टिंग में फिर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो भी इसको बाद में करते हैं। अभी देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट एक बार हम बुक की लैंग्वेज से भी इसको समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसे कहते हैं और यू कैन से इन्फिमम। याद रखना, जो ग्रेटेस्ट है वो इन्फिमम है, और जो लोअर अपर बाउंड है वो क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है। अब देखो, ऐसे याद कर सकते हो आप, सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब सुपीरियर, मतलब सबसे बड़ा हम बोलते हैं ना सुप्रीमम, वो सुप्रीमम है, बट उसके साथ जो है वो वर्ड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, लोअर, ग्रेटेस्ट नहीं है, उसके साथ क्या है, लीस्ट, यानी कि उल्टे हैं। सुप्रीमम के साथ तो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, और ग्रेटेस्ट के साथ क्या है, इन्फिमम। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। अब देखो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन्फिमम की। कोई भी सेट है एस, सबसे पहले तो एक कंडीशन क्या है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और कोई भी रियल नंबर आपने L कह दिया, सपोज L को आप उस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर सेट कब कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे। पहली कंडीशन तो ये कि जो नंबर है वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो नंबर है उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और वो उस सेट का क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड एग्जिस्ट भी करता है, सपोज यहाँ पे L अगर लोअर बाउंड है, अगर L डैश लोअर बाउंड एग्जिस्ट भी करता है, तो L क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए L डैश से। यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो L को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। वहाँ पे हम लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे थे, तो जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है वो सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो सभी बाउंड में, सभी अपर बाउंड लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होना चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों में। तो याद रखना, पहली कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो लोअर बाउंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई और नंबर भी लोअर बाउंड है बट जो हमने नंबर लिया है वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और यू कैन से इन्फिमम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो, जैसे हमने सुप्रीमम की थ्योरम्स करी, सेम वैसे ही इन्फिमम की थ्योरम है। इन्फिमम की भी सेम थ्योरम है कि अगर किसी भी सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो वो यूनिक होगा, यानी कि एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि हमने लेट कर लिया कि दो उसके एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। सपोज L और L डैश उसके क्या हैं, दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हैं। अब देखो, L और L डैश दोनों ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है। अब L भी क्या है, लोअर बाउंड है, L तो लोअर बाउंड है और L डैश भी लोअर बाउंड है, ये दोनों लोअर बाउंड तो है ही है। ठीक, सो देखो, ये L और L डैश दोनों लोअर बाउंड तो है, ये तो फिक्स है, तभी तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होंगे। अब हमने क्या किया, एक बार तो इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया और एक बार इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया। अब जब आपने इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया और इसको नॉर्मल लोअर बाउंड लिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट है, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। और एक बार इसको लोअर बाउंड ले लिया और इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा होना चाहिए एल डैश। अब एक बार तो ये बड़ा और एक बार ये बड़ा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे क्या पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये जब भी पॉसिबल होगा चाहिए तब इन दोनों ही नंबर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इट मीन्स एल इक्वल्स टू एल डैश। तो जो हम लेके चल रहे थे कि दो हमने लोअर बाउंड लिए थे, वो बात थी गलत, वो दोनों ही एक है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होता है, इन्फिमम क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर है, आगे समझ में। उसके बाद देखो ये वाली थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है,
जैसे वहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रेटेस्ट मेंबर होता है वो ही सुप्रीमम होता है, यहाँ पे थ्योरम कहती है कि जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, इन्फिमम होगा। अब उसके लिए प्रूव करने के लिए देख लेते हैं हम। देखो, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट तो लेंगे हम। अब उसके एल को हम क्या ले लेते हैं, उसका स्मॉलेस्ट मेंबर ले लेते हैं। अब एल जो है उस सेट का, देखो एग्जाम्पल से देखो, ए कोई सब सेट है हमारा, 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। इसका लीस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ एक्स, एक्स इस सब सेट के अंदर से है, तो कोई भी नंबर मैं उठाऊंगी तो वो नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो ये नंबर, इस नंबर को अगर मैं एक्स मान रही हूँ तो ये हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे, किससे, जो लीस्ट एलिमेंट है यानी कि एल से। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी एस नॉन एम्प्टी सबसेट है और एल उसका स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो एक्स उस सेट के अंदर का कोई भी मेंबर है तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा उस वैल्यू से। अब देखो, एल जो है वो लोअर बाउंड भी है। अब इस सेट की बात करूँ तो 1 और 1 जैसे सभी छोटे मेंबर्स क्या है, इस सेट के लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड है। तो एल क्या है, लोअर बाउंड है। 1 1 से छोटा 0, 1 से छोटा -1 -1 भी तो इसका लोअर बाउंड है, 1 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे उस चीज़ का चलो यूज़ ही नहीं किया हुआ, हमने इतनी बात देख ली कि 1 भी इसका लोअर बाउंड है और -1 भी इसका लोअर बाउंड है, यानी कि एल भी इसका लोअर बाउंड है और एल डैश भी इसका लोअर बाउंड है। तो एल डैश अगर इसका लोअर बाउंड है तो उसके लिए भी तो सेम कंडीशन यही सेटिस्फाई होगी ना, यही तो सेटिस्फाई होगी। जो हम इसका एक्स मेंबर लेंगे वो तो बड़ा ही रहेगा एल डैश से भी, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर एल से वो बड़ा है तो एल डैश से भी तो बड़ा ही रहेगा, इससे छोटे ही होंगे ना सारे, -1 -2। तो ये तो मेंबर इसमें से 2 ले हो, बड़ा ही तो है, 3 ले हो, बड़ा ही तो है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है कि एक्स जो है वो बड़ा रहेगा एल से भी और एक्स जो है वो बड़ा रहेगा एल डैश से भी। और हमें पता है कि ये अगर 1 इसका लोअर बाउंड है, 1 इसका अगर लोअर बाउंड है तो 1 से छोटे सभी इसके लोअर बाउंड होंगे, बट उन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो रहेगा वो यही तो रहेगा, ये रहेगा ना। तो एल डैश से बड़ा कौन रहेगा, एल रहेगा। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि एल डैश से बड़ा कौन रहेगा, एल रहेगा। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है, इससे ये इम्प्लाइज होता है कि जो एल है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो एल क्या, एल को क्या बोल देंगे हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं, इन्फीमम। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 तो इसका क्या था, इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और 1 ही इसका क्या बन गया, इन्फीमम। तो यही कहना चाह रहे थे कि अगर किसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका इन्फीमम होगा। हमने इसको एग्जांपल की हेल्प से देख भी लिया। क्लियर है, समझ में आ गए आपको। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एस सेट है 1 2 3 4 5, जो मैंने आपको लिया वही सेम सेट दे रखा है। इसकी अगर मैं देखो, लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, 1। हमने पढ़ा कि जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो इसका इन्फीमम कौन हो गया, 1, और लीस्ट एलिमेंट कौन हो गया, 1। हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम। इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, 5, तो इसका सुप्रीमम कौन बन जाएगा, 5। तो देखो क्लियर है ना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसे कहते हैं, लोवेस्ट किसे कहते हैं, अपर बाउंड किसे कहते हैं, और सुप्रीमम इन्फीमम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये एग्जिस्ट करेगा तो ये नहीं करेगा, ये एक जगह नोट कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो, एस जो है वो सेट है किसका, 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4, यानी कि 1 बाय n, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखो, इसका इन्फीमम निकालना है हमें, और इसका क्या निकालना है, सुप्रीमम। अब देखो, जो 1 होगा वो इस सेट का क्या होगा, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, आप बताओ मुझे, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है 0, क्या है, 0। तो 0 सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, इसी वजह से इसका इन्फीमम भी क्या होगा, 0 होगा। और इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1, तो 1 इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ये फ्रैक्शन में है ना, इस वजह से 1 क्या है, सबसे बड़ा है। 1 बाय 2 छोटा हो जाएगा, 1 बाय 3 छोटा हो जाएगा, 1 बाय 4 और छोटा हो जाएगा। तो 1 क्या है, सबसे बड़ा, इस वजह से क्या है, सुप्रीमम। ओके क्लियर है। अब देखो, अब जो सेट है वो है -1 -1 बाय 2 -1 बाय 3 -1 बाय 4, ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो वो होगा, इन्फीमम होगा, वो क्या हो जाएगा, -1, और जो सुप्रीमम होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। इसी तरह से -2, ये वैल्यू वैल्यूज ले रही, तो इन्फीमम -2 हो जाएगा इसका, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, -1।
यहाँ पे जो बात नोट करने की वो ये है, इंटीजर्स का ना ही तो इन्फिमम होता है और ना ही सुप्रीमम होता है। इंटीजर्स का माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन, इंटीजर्स का जो सभी सब इंटीजर्स हैं प्लस माइनस नेगेटिव प्लस माइनस जीरो, इंटीजर्स का ना ही तो इन्फिमम होगा और ना ही क्या होगा सुप्रीमम होगा, इस बात को नोट कर लेना ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ इन्फिमम वन विच बिलोंग्स टू द सेट बट दिस डज नॉट हैव। देखो आपने कोई भी ए सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, वन टू थ्री अपसोन एन, अब वन इसका क्या है लीस्ट एलिमेंट तो है, वन इसका क्या है लीस्ट एलिमेंट तो है, वन इसका क्या हो जाएगा लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो लीस्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है इन्फिमम होता है, तो वन इसका लीस्ट एलिमेंट तो बन गया, वन इसका इन्फिमम बन गया। बट ये तो इन्फिनिटी तक है, ये तो एंड तक है, हमें पता ही नहीं कि इसकी एंड कहाँ पे हो रहा है, तो इसका एंड ही नहीं पता तो हमें इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पता ना, यानी ना तो इसका हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता और ना ही हमें इसका क्या पता सुप्रीमम पता। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा उसकी इन्फिमम तो वन होगा जो सेट में से बिलोंग करेगा, बट दिस डज नॉट हैव एनी सुप्रीमम, इसका कोई सुप्रीमम नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बार। अब आते हैं हमारी कंप्लीटनेस एक्सियम, इसको लर्न कर लेना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। पेपर के में आएगी नहीं आएगी वो तो मुझे नहीं पता, बट चीज़ों को समझने के लिए आपको आनी चाहिए। देखो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहती है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। ये कह रहे हैं कि रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो, अगर रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी तो होगा ही, अगर उसमें रियल नंबर्स है तो ऑब्वियसली बात है वो नॉन एम्प्टी हो गया। रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो और वो बाउंडेड अबव हो तो उसके पास सुप्रीमम ज़रूर होगा। क्या कहती है कंप्लीटनेस एक्सियम, रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो और वो बाउंडेड अबव भी हो तो उस सबसेट का एक सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गई, आपको लर्न होनी चाहिए ये बात। अब इसके बेस पे ही एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, यहाँ तो हमने ये पढ़ा कि रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो बाउंडेड अबव हो तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरम ये कहती है रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो और बाउंडेड बिलो हो तो उसका इन्फिमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो बाउंडेड अबव होगी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, जो बाउंडेड बिलो होगी उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है बट इसका प्रूफ है और जो कि आया भी हुआ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब देखो करना कैसे है। देखिए हमने अपनी मर्जी से ले लिया लेट सेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब वो हमने कह रहा है, खुद ही कह रहे हैं कि वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है तो किसी नंबर से तो बाउंडेड बिलो होगा ही, तो हमने अपनी मर्जी से नंबर लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर सकते हो। उन्होंने क्या लेट कर लिया, वी, कि वो सेट बाउंडेड बिलो है किससे, वी से, यानी कि वी से बाउंडेड बिलो होने का क्या मतलब है कि उस सेट के सभी एलिमेंट्स वी से क्या हैं बड़े। ये तो होता है ना बाउंडेड बिलो, कि हमने कोई नंबर ले लिया, ऐसा नंबर ले लिया कि उस नंबर से जो सारे हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं बड़े। तो x कोई भी एलिमेंट है सेट का, वो x क्या रहेगा, बड़ा रहेगा v से, क्योंकि x उस सेट का एलिमेंट है, सबसेट का एलिमेंट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपनी मर्जी से आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, आपने अपनी मर्जी से कोई फंक्शन लिया t, कोई सेट लिया t, और वो t क्या है, s में जो एलिमेंट्स थे वो सारे थे पॉजिटिव, सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे थे ठीक है। अब आपने क्या लेना है, उसका सबसेट लेना है ना। अब इन्होंने सबसेट की बात करी है तो टी आपने कोई सबसेट लिया और टी को लिया क्या, माइनस ऑफ एस, माइनस ऑफ एक्स, अगर एस इसका एलिमेंट है, एक्स इस एस का एलिमेंट है, तो आपने टी में क्या लिया, माइनस ऑफ एक्स, यानी कि सारे टर्म के माइनस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो टी को आपने डिफाइन कैसे किया कि टी जो है वो माइनस एक्स है और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस एस से बिलोंग कर रहा है, और एस किसके इक्वल नहीं है, इसका इसका क्या मतलब होता है, फाई होता है एम्प्टी, फाई का मतलब क्या होता है एम्प्टी, और एस नॉट इक्वल्स टू फाई का मतलब क्या है कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी है, इस नोटेशन का ये मतलब है। अगर एस नॉन एम्प्टी है तो कॉमन सी बात है कि टी हम उसका ही तो सबसेट ले रहे हैं, तो टी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात सबसेट की हुई हुई है तो हमें सबसेट तो लेना पड़ेगा। तो अगर एस नॉन एम्प्टी है, एस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, तो हम उसका ही सबसेट टी को ले रहे हैं, तो टी भी तो नॉन एम्प्टी होगा, तो इस नोटेशन का ये मतलब है ठीक है। अब टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात करेंगे, हमने अपनी मर्जी से टी का कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट्स से वाई, वाई क्या है, टी का एलिमेंट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, कुछ भी ना समझ में आए प्लीज पूछ लेना। अब देखो टी के अंदर क्या है, माइनस ऑफ एक्स है, मैं कह रही हूँ कि वाई जो है वो एलिमेंट है टी का,
तो मैं लिख सकती हूँ ना कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो अब देखो x क्या था, अभी हमने डिफाइन किया था ऊपर कि जो हमने बाउंडेड बिलो लिया है v से, तो x हमेशा बड़ा रहेगा v से। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि x है ना वो v से बड़ा रहेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, क्लियर है। अब अगर मैं दोनों साइड दोनों तरफ नेगेटिव कर दूं, या फिर मैं कहूँ कि मैं इसको चेंज कर दूं, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वी, ये तो बनेगा। दोनों साइड माइनस ले लो तो ये इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी, क्लियर है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू थी, तो माइनस ऑफ एक्स को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, वाई। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, वाई। तो वाई क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू माइनस वी, और वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, वाई तो टी का एलिमेंट है, तो वाई किससे बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है। अब देखो हमने क्या चीज़ शो कर दी, हमने ये चीज़ शो कर दी कि जो वाई है ना वो छोटा है, वाई क्या है, छोटा है किससे, माइनस बी से, और वाई एलिमेंट किसका है, टी का है। अगर वाई टी का एलिमेंट है और माइनस बी से छोटा है, यानी कि माइनस बी कोई बाहर एलिमेंट है और वाई अंदर है टी के, और वाई छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो माइनस बी है उसकी वजह से जो टी सेट है वो क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। क्या हो गया, बाउंडेड अबव। हमने देखा था ना कि अगर हमने वी लिया है और वी से सेट के अंदर के सभी एलिमेंट बड़े हैं, तो वी की वजह से वो बाउंडेड बिलो हो गया सेट। बट यहाँ पे क्या है कि बाहर आपके पास माइनस वी है और अंदर टी सेट के अंदर वाई है, और ये जो चीज़ है ना ये बड़ी है, ये बड़ी होने की वजह से सेट है कैसा हो गया, बाउंडेड बिलो। तो टी कैसा हो गया, टी सॉरी बाउंडेड अबव हो गया, गलती से अगर मैंने उल्टा उल्टा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। टी क्या हो गया, बाउंड्री अबव हो गया किससे, माइनस बी से, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने कम्प्लीटनेस एक्जियम पढ़ी थी, वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर्स का और वो अगर बाउंडेड अबव हो तो उसके पास एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे टी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाउंडेड अबव भी है एक रियल नंबर से, तो इसका क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि इसके पास कोई ना कोई अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड को तो सुप्रीमम बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिख दिया कि हैंस बाय कंप्लीटनेस एक्जियम ऑफ रियल सेट टी हैज एट लीस्ट सेट टी हैज लीस्ट अपर बाउंड, टी के पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हमने क्या किया, अब लीस्ट अपर बाउंड होगा तो उसको भी लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इन्होंने अपनी मर्जी से लेट कर रखा है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं आपको बुक के ही अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अब इन्होंने मान लिया कि जो उसका लीस्ट अपर बाउंड है ना वो क्या है, माइनस एल, लेट माइनस एल बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। अब अगर माइनस एल उसका लीस्ट अपर बाउंड है और जो वाई है वो टी का एलिमेंट है, देखो जो टी है उसमें एलिमेंट है और वाई उसका एलिमेंट है, मैंने कहा कि माइनस एल इस टी का क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड होने का मतलब क्या है कि जो माइनस एल है वो बड़ा रहेगा, वाई से तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि वो लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। अब वाई से बड़ा रहेगा तो देखो वाई से बड़ा रहेगा माइनस एल, और वाई था किसके इक्वल, माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, किसके इक्वल था, देखो माइनस एक्स के इक्वल था ना, तो वाई की जगह क्या प्लेस कर सकती हूँ मैं, माइनस एक्स प्लेस कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, वाई की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल, दोनों तरफ माइनस है तो आप इसको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया कि जो एक्स है ना वो बड़ा है एल से, तो इसका मतलब क्या है कि जो s बिलोंग कहाँ से कर रहा है, s से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एलिमेंट है जो x है वो बड़ा आ रहा है l से, तो इसका मतलब l उस सेट का क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया, लोअर बाउंड बन गया, तभी तो x जो एलिमेंट है वो बड़े आ रहे हैं उससे, समझ के। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तो हमने ये लेके चला, अब हम क्या करेंगे, एक और लोअर बाउंड लेके चलेंगे। अब हमने क्या मान लिया, अब हमने मान लिया कि एल डैश है ना, लेट एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट s, हमने कोई भी एल डैश उसका अदर लोअर बाउंड मान लिया। अब उसको अगर अदर लोअर बाउंड मान लिया तो एक्स तो फिर भी क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, जैसे कि एक्स बड़ा है एल से, एल लोअर बाउंड है, हमने एक एल डैश और लोअर बाउंड मान लिया, तो एक्स तो उससे भी बड़ा रहेगा ना, तो ये वही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, माइनस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल डैश। अब यहाँ से क्या चीज़ कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो माइनस एल डैश है वो सेट टी का क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया, क्योंकि माइनस एक्स छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा था तो अपर बाउंड लोअर बाउंड था ना। देखो यहाँ से जब एक्स बड़ा आ रहा था तो ये क्या था, लोअर बाउंड था, यहाँ से एक्स छोटा आ गया अब हमारे पास, तो ये क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया माइनस एल। बट
यहाँ से तो ये अपर बाउंड आ गया, बट अभी हमने लेट क्या किया था इसको, माइनस एल को लीस्ट अपर बाउंड लेट किया था। यहाँ से तो ये क्या आ रहा है, अपर बाउंड आ रहा है, और यहाँ से ये लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो देखो, माइनस यहाँ से तो माइनस ऑफ एल, यहाँ से तो माइनस ऑफ एल किससे लेस देन आ रहा है, किससे लेस देन आ रहा है, माइनस एल डैश से लेस देन आ रहा है ना। इन दोनों के साइन को चेंज कर दो तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल जो है वो बड़ा हो जाएगा एल डैश से। तो इसका मतलब क्या है, अब सेकेंड और थ्री को कंक्लूड करो, एल तो यहाँ से लोअर बाउंड आ रहा था, एल क्या था, लोअर बाउंड था, और एल बड़ा आ रहा है एल डैश से, यानी कि एल लोअर बाउंड है और वो बड़ा है एल डैश से, तो एल क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। और अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया तो एल क्या बन गया, उसका इन्फिमम बन गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और बाउंडेड बिलो है तो उसका कोई ना कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। हम यही तो लेके चले थे ताकि हमारे पास आंसर ये आ जाए कि हमने जो नंबर लिया वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया और यू कैन से इन्फिमम बन गया। समझ में आई, देखो ये हो सकता है कि आपको एक बार थोड़ी सी पजलिंग लगे, समझ में ना आए, आपको ये थ्योरम्स जब ही समझ में आएंगे जब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होंगी किसकी, बाउंडेड बिलो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बाउंडेड बिलो का अगर मैं नाम ले रही हूँ तो जस्ट नाम से पता होना चाहिए कि बाउंडेड बिलो का मतलब ये होता है, बाउंडेड अबव का मतलब ये होता है, सुप्रीमम का मतलब ये होता है, इनफिमम का मतलब ये होता है। ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, लर्न करने से। तो जितना भी आपको मैंने करवाया है प्लीज़ उसे साथ साथ कर लेना। ये जो एक थ्योरम रह गई है ये मैं आपको फिर बाद में करा दूंगी, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं आपको शुरू में ही करा देती तो इसी वजह से मैंने आपको अभी ये नहीं कराई है। ठीक है, कर लेंगे इसको भी हम, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ और एक एक स्टेप समझा के करवा रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी मैं आपको कहूँ उसे साथ साथ कर लेना। देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन अगर हमसे होएगा तो आपको, देखो इसका ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा था ना करने के लिए, फर्स्ट हो गया है, अब आपको इसका करना है सेकेंड एग्जाम्पल ट्राई। लेट एस इज अ बाउंड्री नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन प्रूव दैट इनफिमम ऑफ एस लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस। ये हम कर चुके हैं तो आप भी करके लाना है। ठीक है, और तो भी रहने देना और बाद में देखते हैं। ये देखो, व्हाट आर सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ अ सेट, डू दे ऑलवेज बिलोंग टू द सेट, शो बाय एग्जांपल। ये क्वेश्चन आप करेंगे नोटबुक में, एक जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो लिख के आएंगे ना आंसर इंग्लिश में प्रॉपर, वैसे लिखना है आपको। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। प्लीज़ इनको लिख लेना, प्रूव दैट द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ अ सेट इफ दे एग्जिस्ट आर यूनिक। दोनों थ्योरम करा दिए मैंने, करोगे इसको। मैं आपको क्वेश्चन कह रही हूँ ना साथ साथ करने के लिए, आपको करनी है क्योंकि इस बार इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करवा पाऊंगी। ठीक है, आपके डाउट भी शायद ही कम पूरी तरह से ले पाऊँ मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ सिलेबस जल्दी कर लो, इस बार टाइम बहुत कम है। उस दिन थर्ड क्वेश्चन दिया था, आज मैंने आपको बोला है वो एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम, बहुत ईजी है, कर लेना इसको भी, फोर्थ को भी करना आपको। अच्छा, और तो और रहने देना, एक्सरसाइज के 1-4 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है पूछने हैं, और एग्जाम्पल करना है 1 और 2। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे कंसेप्ट और बढ़ेंगे सारे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो जितना भी मैंने आपको अब तक समझाया फर्स्ट चैप्टर में, उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी आप हिट कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना प्लीज़, कोरोना बहुत फैल चुका है। अगर आप कॉलेज भी जाते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मैं भी जाती हूँ तो एक सेकेंड के लिए भी मैं मास्क नहीं उतारती। आपको भी यही कहूँगी कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो मास्क वियर करके ज़रूर जाइए, अपने साथ सैनिटाइज़र लीजिए, मास्क को बिल्कुल मत उतारना, सबसे दूर रहना, अपनी वाटर बॉटल अपने साथ जरूर लेके जाना, कॉलेज में कुछ भी मत खाना, मेरी अगर मानो तो बात, कॉलेज का तो बिल्कुल भी मत खाना, बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड कर दो, कोरोना बहुत फैल चुका है, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सेफ रहने की कोशिश करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।